कई चीजें रिकवर हुई हैं, अभी सब चीजें लिंक कर रहे हैं। अक्यूज ही रहते हैं। और कहाँ रहता था तेरे दिल्ली? यहाँ पे अपने छतरपुर में ही रहता था, तो मेरोली के पीएस मेरोली के एरिया में। सर वजह क्या थी और क्या एज है इन दोनों की? लगभग ये लेट 20s के हैं, 28-29 साल के हैं। ये 11 में थे, झगड़ा बढ़ता गया, एक दिन इसने आपा खोया और उसका मर्डर कर दिया। मेरोली की टीम ने खोला, कौन थे टीम में? मेरोली की टीम में हमारे जो ACP हैं क्विनो नारंग साहब, SHO PC यादव एंड इंस्पेक्टर अपने राम सिंह हैं, इनके और सारे लोअर सबॉर्डिनेट्स ने मिलकर बहुत मेहनत करी। और साउथ डिस्ट्रिक्ट की थाना मेरोली काम करा, इसमें सब डिवीजन मेरोली का ही पूरा रोल था। जो ACP और उनके इंस्पेक्टर, उन्होंने पूरी काफ़ी अच्छी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी है। आरोपी कितने दिन का रिमांड है सर? आरोपी अभी 5 दिन के रिमांड पे हैं और हम जरूरत पड़ेगी तो रिमांड और बढ़ाएंगे। सर क्या वो हथियार जिस तरीके से चाकू की अगर बात की जाए, हथियार किस तरीके से चौपर था कि किससे हत्या करी थी, क्या वो बराबर तेज धारदार हथियार था? अभी वो सब इंक्वायरी चल रही है, काफ़ी चीज़ें रिकवर हुई हैं, वी आर येट टू लिंक ऑल दिस थिंग। 5 दिन का रिमांड लिया गया, इसकी वजह क्या है, क्या क्या बरामद कर ली? अभी हमें तो पहले तो बॉडी पार्ट्स रिकवर करने हैं जो बताए हैं, प्लस जो धारदार हथियार हैं, ये सब चीज़ों की रिकवरी दिखाते हुए हमने कोर्ट में परमिशन मांगी थी। क्या इसमें हत्या करने के लिए कोई जो प्लान, कोई यूट्यूब पर या किसी ने कुछ देखा हो, प्लान किया हो, कैसे मारना है, कैसे डिस्पोजल? अभी वो सब चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सब आस्पेक्ट पर ध्यान लगाया था। फ्रिज खरीदा गया था आसपास से, उसको यूज किया था टू स्टोर बॉडी पार्ट। आपने बताया कि कोई हथियार भी जिससे जो निकल के आया, कुछ चीज परचेज की थी इसमें, किससे काटपीट कर, वो चीज़ अभी सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आपको शेयर करेंगे। झगड़े की वजह बताइए सर, क्या वजह है? झगड़े की वजह लड़की का, आपस में इनका झगड़ा चलता था थोड़ा सा, और अभी दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं इनके कि भाई क्या झगड़े किस चीज़। मुंबई से दिल्ली क्यों आया, वहाँ जॉब छोड़ के आया, यहाँ दूसरी जॉब की या जॉब सर्च करने के लिए आया था? ये मुंबई से हिल स्टेशन गए थे घूमने, फिर वहाँ के बाद ये दिल्ली में किसी आके रुके और इन्होंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे सेटल करके जॉब करते हैं। ना दिल्ली के मेहरौली इलाके में होता है, एक महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है, पुलिस हालांकि अपना काम कर रही है, गिरफ्तारियां हुई है, आप कैसे इस घटना को देखती हैं और कितना बड़ा नुकसान है ये? बहुत भयानक घटना है। आज जब हम अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने या काम करने भेजते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप एक आज कॉमन चीज़ है आजकल, और उसमें अगर पार्टनर ऐसा कर दे तो बहुत ही भयानक है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सोसाइटी पे भी और ऑफिस पे भी, कि 6 महीने से अगर जिस भी ऑफिस में वो काम करती थी बच्ची श्रद्धा, वो कहाँ, कैसे नहीं पता चला उनको कि 6 महीने नहीं आई है एम्प्लॉई उनकी, तो कहाँ गई, या आस पड़ोस वालों ने क्यों नहीं नोटिस किया कि वो लड़की कहाँ थी, अगर वो आती जाती थी उस फ्लैट में तो कहाँ गई वो लड़की, क्यों नहीं 6 महीने तक किसी को भी पता चला कि वो लड़की कहाँ है, चाहे फैमिली को हो या सोसाइटी को हो या ऑफिस को हो। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आज हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, कि हमें अपने आस पड़ोस का भी नहीं पता, हमें अपने परिवार का नहीं पता 6 महीने से, हमें अपने एम्प्लॉई का नहीं पता। पुलिस को अब पता चला है, जब मेरे ख्याल से उस लड़के ने खुद ही बताया कि मैं मर्डर कर चुका हूँ उसका। NCW ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है पुलिस से, हम देखते हैं कि पुलिस उसके बाद क्या कर रही है, क्योंकि चार्जशीट होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर चार्जेस लगने, ऐसे केस में एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो सके।